आज की वीडियो में ना सीए के सारे प्रोज और सारे कॉन्स, मतलब सीए को अगर आप अपना करियर बनाना चाह रहे हो, सीए बनना चाह रहे हो, तो उसमें क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं और क्या क्या माइनस पॉइंट हैं, उन सारी चीजों को ना बहुत अच्छे से हम कंपेयर करेंगे, साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और देखते हैं कि एक्चुअल में ये सीए जो करियर है ना आपके लिए सही है या नहीं है, क्योंकि इसके बाद आप बहुत अच्छे से जज कर पाओगे कि इसमें सीए को अपना करियर बना के या सीए बनने पे आपको क्या बेनिफिट रहेगा और क्या आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि देखो सिर्फ प्लस प्लस पता होना काफी नहीं है और सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव पता होना काफी नहीं है। नॉर्मली हम जब किसी से बात करते हैं ना सीए के बारे में, तो या तो वो आपको सिर्फ ये कहेगा सीए बहुत अच्छा है, परफेक्ट है एकदम, बस सीए बन गया ना तो लाइफ बदल जाएगी, ऐसा कहेंगे, या वो आपको कहेंगे अरे सीए में जिंदगी बर्बाद मत करो, लोगों को बर्बाद कर दिया है, और इससे अच्छा कुछ भी कर लो, एसीसीए कर लो, सीएफए कर लो, कुछ भी कर लो, इस तरीके के आपको सजेशन देंगे। तो एक्चुअल में रियलिटी क्या है वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। सीए ना एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसने लाखों लोगों की ना जिंदगी बदल के रख दी है, मतलब उन्हें यहां से यहां पहुंचा दिया, लेकिन इसी के साथ ना करोड़ों बच्चों के सपने भी तोड़े हैं। क्योंकि देखो पासिंग परसेंटेज अगर मैं कहूँ फ्लैक्चुएट होता है बहुत ज्यादा, इससे पहले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, कहीं ना कहीं 10% का एवरेज अगर हम ले लेते हैं तो 90% स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाते। अब यहाँ पे प्रॉब्लम इस चीज की नहीं है कि 90% फेल हो गए तो लाइफ बेकार होगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको सीए में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और अगर आप सीए नहीं भी बन पाए तो भी ऐसा नहीं कि सब खत्म हो गया, आपने जो कुछ सीखा है, जो आपने एक्सपोजर लिया है, वो आपके काम बहुत आएगा। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टूडेंट्स ना सिर्फ बुक्स के बीच में फंस के रह जाते हैं, आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो वहां पे एक एफिशिएंसी के साथ एक अच्छे तरीके से उसमें चीजों को नहीं सीखते हैं, तो चैलेंज आता है। अगर आप सीए कर रहे हो और उसके साथ में आप प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से ले रहे हो, उन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप चाहते हो देखना उन सब चीजों के बारे में, तो अगर वो सब चीजें ले रहे हो तो ये प्रॉब्लम आपके साथ जनरली नहीं आती है। चलिए सबसे पहले ना हम शुरुआत करते हैं प्रोज के साथ, इसके क्या क्या प्लस पॉइंट है, फिर उसके बाद इसके नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट शायद आपको बहुत सारे पहले से पता हो। सबसे पहला पॉइंट, इसमें आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत 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 अच्छी होती है। देखो वैसे अगर मैं कहूँ तो मार्केट में अगर आप किसी सीए को देखेंगे तो आपको हर तरीके के सीए देखेंगे जो बहुत लिमिटेड भी अर्न कर रहे हैं और जो बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं, दोनों तरीके के मिलेंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये डिपेंड करता है आपकी अपनी स्किल्स कैसी हैं। बट मैं एक चीज की एश्योरिटी शायद ले सकता हूँ, एटलीस्ट मतलब एश्योरिटी शायद मैंने वर्ड इसलिए यूज किया है कि कोई केस ऐसा एक्सेप्शनल केस ना हो, बट जनरली आज तक मैंने कभी किसी से ना तो सुना है ना देखा है कि कोई सीए ना एक बेरोजगार हो सीए बनने के बाद, या वो अपनी अर्निंग से अपनी लाइफ, अपनी फैमिली की लाइफ अच्छे से नहीं मतलब बियर कर पा रहा हूँ, ऐसा केस मैंने कभी देखा नहीं है। मतलब एक अच्छी अर्निंग आप जनरेट डेफिनेटली कर पाते हो अगर आप सीए बन जाते हो। हाँ, उससे ऊपर कितना आप कर पा रहे हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फॉर एग्जांपल एक रफली मैं बोलता हूँ कि आप किसी ऐसी लोकेशन पे हो, टॉप सिटीज वगैरह में हो, आपको लगता है कि 1 लाख इज अ वेरी गुड अमाउंट, तो डेफिनेटली वहां पे सीए 1 लाख रुपीज मंथली अर्न कर रहे होंगे, वो एक अलग चीज है। और सीए ऐसे होंगे जो शायद 10 लाख रुपए महीना भी अर्न कर रहे, तो इट ओनली डिपेंड्स, बट कम से कम में भी ना बहुत अच्छी अर्निंग वहां पे होती है अगर आप सीए बन जाते। अब सेकंड जो पॉइंट है ना उसको मैं डिबेट में नहीं एंटर करूंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको एज अ प्रो लेते हो या उसको नेगेटिव में लेते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट हाँ पॉइंट मेंशन करना चाहिए था, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सीए के अंदर आरक्षण वाला सिस्टम नहीं है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, मैं उस पॉइंट पे कहीं पे भी कोई डिबेट नहीं करना चाहूंगा, वो टोटली आपके ऊपर है। तो आप इसको अपने हिसाब से जज करना है कि प्लस में एंटर करना है या इसको नेगेटिव में करना है। इसमें आपका आरक्षण वाला सिस्टम नहीं होता है, तो सीए इज लाइक कि हाँ जो आपने पढ़ा है, जो आपने एग्जाम में दिया है, जो आपके मार्क्स आए उसके बेस पे ही आपका रिजल्ट और आपके क्वालिफिकेशन, आपका लाइफ डिपेंड करती है। फिर थर्ड चीज आती है कि सीए ना बहुत लेंथी कोर्स है, मतलब कहाँ 5-6 साल हम इसमें सीए के अंदर दे देंगे, इससे अच्छा तो कुछ और कर ले। इससे अच्छा तो कुछ और कर ले में अगर आप कॉलेज की किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बात करें तो 5-6 ईयर्स तो उसमें भी लग जाता है। पहले आप 3 ईयर्स की अपनी ग्रेजुएशन करेंगे, देन 2-3 ईयर्स की आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो 5-6 ईयर्स तो वहां पे भी आप स्पेंड कर ही रहे हैं, यहाँ पे भी स्पेंड कर रहे हैं। हाँ बस इतना डिफरेंस जरूर है, यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, यहाँ पे एंटर करना इजी है सीए के अंदर, एग्जिट करना मुश्किल है, मतलब सीए बनना मुश्किल है। कॉलेजेस वगैरह में नॉर्मली होता है एंट्री मुश्किल होती है, एक बार आप कॉलेज में एंटर कर गए किसी भी तो उसके बाद तो क्लियर करके ही निकलते हैं, ऐसा बहुत रेयर केस होता है कि स्टूडेंट कॉलेज में फेल हो रहे हैं और उसके बाद वो क्वालिफाई नहीं करते। हाँ रीअटेम्प्ट लग जाता है वो एक अलग चीज है, कॉलेज में बन के ही निकलते हैं। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट आता है अनलिमिटेड करियर ऑप्शंस, मतलब शायद मुझे नहीं लगता कि सीए के अलावा कोई एक
कोई भी फील्ड ऐसा होगा जो इतने सारे आपके पास ऑप्शंस आपको देता है। सीए बनने के बाद ना शायद आप उससे ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे जितना आप करियर सेलेक्ट करने के टाइम पे कंफ्यूज थे कि मैं सीए करूं एमबीए करूं क्या करूं। जितना ज्यादा कंफ्यूजन उस टाइम पे था ना, उससे ज्यादा ऑप्शंस आपको सीए बनने के बाद होते। आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस में जा सकते हैं, आप जॉब में जा सकते हैं। जॉब में अनलिमिटेड प्रोफाइल्स आती हैं कि मतलब आप किस फील्ड में आप अपना वर्क करना चाह रहे हो, टैक्सेशन में करना चाह रहे हो, अकाउंटिंग में करना चाह रहे हो, फाइनेंस में जा रहे हो, डेटा एनालिस्ट में जा रहे हो, क्लाइंट रिलेशनशिप में जा रहे हो, बैंक्स में जा रहे हो, मतलब कोई एंड नहीं हो। नए 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 फील्ड रेगुलरली आते रहते हैं। अब इसकी बात करते हैं कुछ कॉन्स की। सबसे पहला कॉन जब हम बात करते हैं कि इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है, पासिंग परसेंटेज की बात आती है। हाँ डेफिनेटली दैट्स अ बिग थिंग। आप पासिंग परसेंटेज वाली चैलेंज आपके सामने आता है, बट फिर भी अगर मैं कहूँ तो ये सिर्फ एक आपका परसेप्शन है। हम क्या करते हैं ना, मैंने मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते रहते हैं बिना सोचे कि उसका पासिंग परसेंटेज। वहां पे बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जहाँ पे 0.2%, 0.2, मैं 1% भी नहीं बोल रहा हूँ, 0.2% पासिंग परसेंटेज होता है कि गवर्नमेंट की जॉब निकल रही है, इतने लोग उस पर अप्लाई कर रहे हैं और सिर्फ सीट्स बहुत लिमिटेड होती है। तो वहां पे हम बिना सोचे एंटर कर जाते हैं और अप्लाई भी कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे होते हैं उस एग्जाम्स वगैरह में। बट सीए के अंदर तो उससे ज्यादा पासिंग परसेंटेज है, 5 to 15% उसका पासिंग परसेंटेज रहता है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, मतलब कंपेरेटिवली अगर आप देखते हो तो। सेकंड पॉइंट आता है इसका जो नेगेटिव है, नेवर एंडिंग स्टडी। मतलब स्टडी इसमें आप ऐसा मान के चलिए सीए, ड्यूरिंग द सीए आपको कहीं ना कहीं सारी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ और ना ही मैंने किया है। अगर आपको जानना है ना कि कितने आवर्स स्टडी करनी चाहिए सीए के अंदर, कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो मेरी आप कमेंट करना, मैं वीडियो लेके आऊंगा उसके ऊपर। बट हाँ फिर भी आपको कंपेरेटिवली अगर मैं देखता हूँ किसी और कोर्स के कंपेरिजन में, तो आपको बहुत एफर्ट्स देने पड़ते हैं, दिन रात आपको अपने सीए को डिवोट करना पड़ता है, तब जाके वो पॉसिबल हो पाता है कि आप सीए क्लियर कर पाओ। थर्ड नेगेटिव पॉइंट, आप जब तक सीए नहीं बन जाते हो ना, हर रोज आपको अपने ऊपर डाउट होगा, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सीए बन जाऊंगा, अगर नहीं बना तो मेरा क्या होगा, क्या मैं तो बार बार सारी चीजें भूलता जा रहा हूँ जो मैंने पढ़ी थी। इस तरीके के डाउट, सेल्फ डाउट जो है ना, वो जब तक आप सीए नहीं बन जाओगे रोज आपके साथ आप चलने वाला है, ये आपके लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा, तो वो आपको मतलब मैनेज करना आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है कि अगर आप प्रैक्टिस में एंटर करना चाहते हो, जो आर्टिकलशिप कह रहा हूँ, सीए बनने के बाद आप अपना ऑफिस ओपन स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसमें ना कहीं आपको एक फ्रेश स्टार्ट करनी पड़ती है, और फ्रेश स्टार्ट करने में टाइम लगता है, कुछ साल लगते हैं एक अच्छी प्रैक्टिस स्टार्ट सेटल होने में। तो ऐसा नहीं है जॉब की तरह कि जॉब आपने जिस दिन ज्वाइन करी उसी दिन से आपका मतलब नेक्स्ट मंथ से आपकी अपनी सैलरी आनी शुरू होगी। प्रैक्टिस में टाइम लगता है, बट हाँ उसमें स्कोप, ग्रोथ स्कोप बहुत अनलिमिटेड है। जितने आपके एफर्ट्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी। अब बाकी अल्टरनेट ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं और कैसे प्रैक्टिस को ग्रो कर सकते हैं, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिलेंगी, वहां जाके आप चेक करना, उन चीजों में काफी गाइडेंस आपको मेरी तरफ से मिल जाएगी। फिफ्थ होता है पॉइंट की रॉन्ग सैलरी एक्सपेक्टेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना मैंने देखा है कि सीए के बारे में ऐसे सोचते हैं कि सीए बनते ही ना बस पैसा 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 होगा। ऐसा नहीं है, आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में पता होना चाहिए, मतलब सही एक्सपेक्टेशन आपकी होनी चाहिए। उसका एक तरीका होता है कि आप जॉब पोर्टल्स ओपन करिए, naukri.com .com, so वहाँ पे सर्च करिए सीए जॉब्स इन जिस भी सिटी में आप चाहते हो उस सिटी को, जैसे बैंगलोर, और फिल्टर करिए फ्रेशर्स, तो आपको पता चलेगा फ्रेशर्स को कंपनी क्या पे कर रही है, एक्चुअल सैलरीज हैं, क्योंकि वो तो कंपनी पे कर ही रही है ना, आपको किसी से पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जनरली आप मान के चलिए डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड योर नॉलेज बहुत वेरी करता है, बट फिर भी रफली अगर एक फ्रेशर को मैं कहता हूँ तो 8 लाख के ऑल अराउंड एवरेज पैकेज मिल जाता है। और फिर ग्रोथ आपकी बहुत स्पीडली होती है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा 8 लाख का है, तो फिर आपका जब आप स्विच करते हैं ना कंपनीज, या आपका परफॉर्मेंस अच्छी होती है आपकी कंपनी में, तो ग्रोथ आपकी बहुत तेजी से होती है। और लास्ट पॉइंट है वर्क लाइफ बैलेंस इश्यू। यहाँ पे ये मैं कहूंगा सीए की प्रॉब्लम नहीं है, कोर्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम होती है कि आप उसमें कितना कैपेबल है। वर्क लाइफ बैलेंस में प्रॉब्लम आती है स्पेशली, देखो ड्यूरिंग द कोर्स तो आने ही वाली है, मतलब आप ऐसा हो जाओगे कि बाकी सारी चीजों को बहुत कम टाइम दे पाओगे, मैनेज करने के ऊपर डिपेंड करता है, बट कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को आप कंट्रोल करना होगा और स्टडी को अपने करियर को टाइम देना होगा। आफ्टर बिकमिंग ए सीए इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप जॉब में है, एक नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, तो फिर तो देखो सिचुएशन वैसी है जैसे किसी और जॉब में होती है, बट अगर आप प्रैक्टिस में है या आप कहीं पे पार्टनर है, इस तरीके का वर्क आपका है, तो वहां पे कुछ टाइम पीरियड ऐसा होगा ईयर का जब बहुत रिलैक्सिंग, आप पूरे दिन एकदम रिलैक्स होंगे, और कुछ टाइम पीरियड ऐसे होंगे जहां दिन रात आप काम कर रहे हो। तो मुझे पर्सनली इतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं लगता है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ पर्सन टू पर्सन मैटर करता है। आफ्टर बिकमिंग ए सीए आप उन चीजों को कैसे मैनेज कर पा रहे हो, बट हाँ बहुत सारे लोग इस चीज को कहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ इस चीज को भी शेयर करूं। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कुछ है ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव है या कोई एक्सपीरियंस आपका, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, सो देट बाकी स्टूडेंट्स भी इसको चेक कर